लोगों पर पड़ेगी दोहरी मार। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ प्रदूषण। आने वाले दिनों में दिल्ली बन सकती है गैस चैम्बर। सांस के रोगियों के लिए काल बन सकता है कोरोना। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में दस्तक दे रहा है। लॉकडाउन के बाद प्रदूषण घट गया था और आबोहवा साफ हो गई थी, लेकिन पिछले कई दिनों से फिर प्रदूषण बढ़ रहा है। दरअसल हर साल इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में पराली जलाते हैं और जिसका सीधा असर दिल्ली में पड़ता है। और इस बार भी आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलना शुरू होगा, दिल्ली में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार हालात और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पहले से ही कोरोना वायरस की मार झेल रही है और यदि प्रदूषण बढ़ा तो ये सांस के रोगियों के लिए काल बन सकता है। क्योंकि तापमान जैसे जैसे नीचे गिरेगा, वैसे वैसे धुआं और धूल कण वातावरण में ऊपर जाने के बजाय नीचे इकट्ठे होने शुरू करेंगे। इस वजह से गैस चैम्बर की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में कोरोना श्वसन रोगियों के लिए काल बन सकता है। वायरस पीड़ित रोगी के श्वसन क्रियाओं पर सबसे ज्यादा अटैक हो सकता है और ये एक चिंता की बात है। बता दें, पिछले साल मेडिकल जर्नल एसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 3 दशक में सांस की बीमारी COPD से पीड़ित मरीजों की संख्या देश में दोगुनी हो गई है। अस्थमा के मरीज भी बढ़े हैं। देश में करीब 4.5% लोग COPD से, तो वहीं 3% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण को माना गया है। प्रदूषण के कारण कम उम्र के लोगों में फेफड़ों का कैंसर देखा जा रहा है। जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, वे भी फेफड़े के कैंसर के शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद ये चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी है। हालांकि फिलहाल किसानों को पराली जलाने की मनाही है, लेकिन फिर भी वे पराली जला ही देते हैं। और ऐसे में कोरोना के इस दौर में प्रदूषण बढ़ना स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी स्थायी कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।